येती एयरलाइंस के विमान को उड़ाते समय साल 2006 में पति की मौत हुई और अब नेपाल में हुए दर्दनाक हादसे में पत्नी की भी मौत हो गई। ये इमोशनल कहानी है पायलट अंजू काठीवाड़ा की। दुर्घटना में मारे गए अपने पति के लिए दुखी अंजू काठीवाड़ा ने पायलट बनने का फैसला किया था। वो विमानन की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई थी। पति की मृत्यु के 16 साल बाद अंजू भी येती एयरलाइंस का विमान उड़ा रही थी, जो रविवार को पोखरा हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान हादसे का शिकार हो गया। हादसे में अंजू की मौत हो गई। विमान में कुल 72 लोग सवार थे। अंजू की शादी दीपक पोखरेल से हुई थी, जो नेपाल सेना की हेलीकॉप्टर उड़ाते थे। शादी के कुछ साल बाद येती एयरलाइंस के पायलट बने दीपक की साल 2006 में जुमला जिले में एक ट्विन ओटर दुर्घटना में मौत हो गई। अपने दामाद की मृत्यु के बाद अंजू के पिता उसे पढ़ने के लिए भारत भेजना चाहते थे, लेकिन वो नहीं मानी। पति की आकस्मिक मृत्यु के शोक में उसने पायलट बनने के लिए पढ़ाई करने के लिए अमेरिका को चुना। येती एयरलाइंस के एक प्रवक्ता सुदर्शन बतौला के मुताबिक, अपने पति की मृत्यु के बाद बीमा दावे के रूप में प्राप्त धन का उपयोग अंजू ने विमानन की पढ़ाई के लिए किया। वो 2010 में येती एयरलाइन से जुड़ी और अपने सपनों को पूरा कर कैप्टन बनी। लेकिन दीपक की मौत के 16 साल बाद अंजू की मृत्यु हो गई, जब उनका 9A ANC ATR 72 विमान पोखरा में पुराने हवाई अड्डे और नई हवाई अड्डे के बीच सेती नदी के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रविवार को हुए दुर्घटना के बाद अब तक किसी के जीवित बचे होने की सूचना नहीं है। येती एयरलाइंस के दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स और एक शव सोमवार को दुर्घटना स्थल से बरामद कर लिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले 68 शव बरामद किए जा चुके हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर दोनों बरामद कर लिए गए हैं। CVR कॉकपिट में रेडियो प्रसारण और अन्य ध्वनियां रिकॉर्ड करता है, जैसे पायलट के बीच बातचीत और इंजन से आने वाली आवाज जैसी चीजें इसमें रिकॉर्ड होती है। अब देखना ये है कि इस ब्लैक बॉक्स से कौन सी नई जानकारियां निकलकर सामने आती हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।